नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण दुर्गा पूजा भव्य रूप से आयोजित नहीं करा सकी थी। पिछले साल दुर्गा पूजा में उदासी छा गई थी, लेकिन इस बार के लिए हम आपको बता दें, इस बार खुशखबरी है कि जिला प्रशासन के तरफ से दुर्गा पूजा जो है भव्य रूप से आयोजित कराने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। जी हम आपको बता दें कि इस बार जिला प्रशासन ने हरी झंडी दिखाते हुए ये बताया है कि इस बार दुर्गा पूजा का जो आयोजन है वो आप भव्य रूप से आयोजित करा सकते हैं, इसके लिए अनुमति दे दी गई है। लेकिन हर साल जिस तरीके से समितियों को जो लाइसेंस लेना होता था, जो परमिशन लेना होता था, वो इस बार भी उन सभी सदस्य समितियों को लेना होगा लाइसेंस, उसके बाद ही वो अपनी तैयारी दुर्गा पूजा को लेकर कर सकते हैं। पिछले साल उदासी छाई हुई थी, माँ दुर्गा की जो पूजा हुई थी उसमें सिर्फ कलश स्थापित करके और एक मामूली सा फोटो विसर्जित करके वहाँ पर उसका उनका पूजा अर्चना किया जाता था, लेकिन इस बार जो है भव्य रूप से पंडाल का आयोजन किया जाएगा, पंडाल बनाए जाएंगे और भव्य रूप से जिन समितियों की जो खासियत है उस तरीके से माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति भी विस्थापित की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश और अनुमति जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि कई समितियों के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर असमंजस जारी था कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बात कही जा रही है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है, तो असमंजस कहीं ना कहीं ये बरकरार था कि हो सकता है पिछले साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा जो है उसमें उदासी छाई रहेगी, दुर्गा पूजा नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली है दुर्गा पूजा आयोजित कराने को लेकर, समितियों के बीच में खुशी का माहौल है, उल्लास का माहौल है और अब वो लोग अपनी अपनी तैयारियां भी अब धीरे धीरे शुरू करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा जब आयोजित कराए जाते हैं तो उसमें तमाम तैयारियां जो है उसके लिए काफ़ी समय लगता है, कारीगरों को फिक्स किया जाता है, उसके बाद पंडाल के जो जितने भी कारीगर होते हैं उनको भी फिक्स किया जाता है कि और उनकी जो अलग अलग हर बार पंडाल की जो खासियत होती है उसे बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो कहीं चूक ना रह जाए इसको लेकर हर समिति अपनी संभवतः प्रयास जारी रखता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कई समिति के सदस्यों का ये मानना है कि पिछले साल पूजा अर्चना नहीं हो पाई थी भव्य तरीके से, लेकिन इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि हर साल की तरह इस बार हम बहुत ही बेहतर कर सके और किसी को भी मायूसी हाथ नहीं लगे और अपनी खुशी हम इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो समिति के सदस्य उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोरोना जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर बात कही जा रही है उसका हम ध्यान रखेंगे, भीड़भाड़ पर हम नियंत्रण पाने का पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से दुर्गा पूजा आयोजित कराने को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है और समिति के सदस्यों के बीच उल्लास है, खुशी है और ये तमाम तैयारी है कि इस बार हर बार की तरह इस बार कुछ अलग करने का जो अपना तरीका है वो हम अलग करेंगे। और लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति देने के साथ ये भी कहा है कि इस बार लाइसेंस भी तमाम समिति के सदस्यों को लेना होगा। फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।